सुपरहिट हिंदी मूवीज और उनके सीन सॉन्ग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी मूवी प्लेक्स। स्वामी जी, इस तरह क्या देख रहे हैं? शून्य से अपने आप को प्रत्यक्ष में लाना केवल तुम ही कर सकते हो भैरव। तुम दूसरों की तरह मनुष्य हो, मनुष्य रूप में प्रकट हो सकते हो ना। कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। सिर्फ भगवान ही नहीं, मैं भी रहता हूं। मेरी मंत्र शक्ति उस दिव्य शक्ति से भी महान है। भैरव, हम दोनों ने एक ही गुरु से मंत्र सीखा है। मैं सन्यासी बन गया, लेकिन तुम ईश्वर बनना चाहते हो? छोड़ो स्वामी, तुम मेरे यहां आए हो, तुम्हारे लिए खास स्वागत है। उधर देखो। कहो स्वामी, स्वागत करना कैसा लगा? अद्भुत है। मंत्र शक्ति में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तुमने अपना काम तो स्वागत के रूप में दिखा दिया, बदले में मेरा कर्तव्य यह है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। ये क्या है? दुर्गा माँ का प्रसाद है। ये नींबू प्रसाद है? हाँ, इससे निचोड़ के तुम इसका रस निकाल सकते हो क्या? पहाड़ों को तोड़ने वाले से नींबू तोड़ने को कहते हो? अब देखो। आर्गे, तुम तो ईश्वर हो ना? भैरव, दुर्गा माता के चरणों में पड़े एक मामूली नींबू में इतनी शक्ति है, तो मां की कितनी शक्ति होगी? उसकी पंखुड़ी में कितनी शक्ति होगी? ये सब जान लो, मैं चलता हूं। दुर्गा मां की आंखों की पंखुड़ी में इतनी शक्ति है, मुझे उसकी आंखों की पंखुड़ी चाहिए। मैं अभी जाता हूं। माता, तू वाकई शक्तिशाली है, और सुना है कि तेरी शक्ति तेरी आंखों की पंखड़ियों में है। ये पंखड़ियां मुझे चाहिए। ये पंखड़ियां अगर मेरे पास आ जाए तो मैं ईश्वर बन जाऊंगा, और तू सिर्फ पत्थर। दही चावल, नींबू चावल, मीठा चावल सब बना के लाई हूँ मैं, आके दबा के खा ले। जन्म देने वाली अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं। जब से होश संभाला तब से नीम के पेड़ में रहने वाली देवी माँ को ही माँ समझती हूँ। लेकिन इसमें भी एक खूबी है। कैसी खूबी? हम दोनों शक्ल सूरत से एक जैसी है ना, तो तू मेरी माँ और मैं तेरी बेटी। मुझे लगता है नींबू चावल में नमक नहीं है दुर्गा। ये बात है, मैं टेस्ट करके देखती हूँ। मैया, इसमें नमक भी है और ये खुशबूदार भी है। मजाक मत करो, चलो शुरू हो जाओ। मेरी मानो अब इसमें मिठास आ गई। इसमें मिठास है, वो कैसे? तुम्हारा झूठा है ना, इसलिए। समझ गई, तुझे मेरा झूठन खाना है, इसलिए इसमें ये नहीं वो नहीं कह के मुझे खिलाया। तू बड़ी चालाक है। माता, तू तो पूरी दुनिया को खिलाती है, तुझे खिलाने का सौभाग्य तूने मुझे दिया, मेरे लिए यही बहुत है माँ। Hey, इधर आ। ओ
ये क्या कर रहे हैं आप? अब छोड़िए, ऐसा करना पाप है, ऐसा मत कीजिए। ये क्या कर दिया? ये धुएं पे जो पूजा के लिए ले जा रही हूँ और आप उसे सिगरेट जला रहे हैं। तेरी ये हिम्मत अपने पति से जबान लड़ा। अरे वाह प्यारी सिस्टर, बड़े जोरों से धक्का दे दिया उस बेचारे को। राजेश्वरी अफसोस, धूप और अंगा नीचे गिर गया ना। कोई बात नहीं, जाने दो। अब अपने हाथों से इन अंगारों को इसमें डालकर अपनी दुर्गा मैया की पूजा करना, देरी हो रही है ना। तुम माता के भक्तन हो, अगर तुम्हारा हाथ लगा तो अंगारे फूल बन जाएंगे। हाथों से अंगारों को उठाकर रखो तो जरा। हे, घूर क्या रही है, जल्दी से उठाना। उसे मत छूना, अंगार है। माँ मैं जानती हूँ, माँ इन्हें मैं उठा के डालती हूँ। ओह राधा, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा क्षत्री स्वाहा स्वता नमोस्तुते। जय त्वं देवी जानते जय भोगार्थी हारिणी। ओम जय सर्वे देवी काल रात्रि नमोस्तुते। ये क्या है जी, धूप के अंगारे हैं या कोई फूल है? आपकी बेटी उन्हें यूं ही उठा के रख रही है। तेरी बेटी कितनी चालाक है, देख लिया, अंगारे को हाथ से उठा के डाल रही है। तुम चुप रहो बेटी, ऐसा लग रहा है कि जूनियर माता सामने आई हो। हम लोग और भी यहाँ रहे तो भक्ति में मगन होकर नाचने लगेंगे, चलिए ना। स्वामी जी आप? मैं अपने शिष्य गणों के साथ जा रहा था, इस घर से आपके रोने की आवाज मुझे यहाँ आपके पास खींच लाई, इसीलिए आ गया। जिस दुर्गा मैया की मैं पूजा करती हूँ उसी ने आपको भेजा है। स्वामी जी मेरे पति ने अपनी आंखें खो दी है, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो कभी देख नहीं पाएंगे। सत्य कहा बेटे, तुम्हारे पति को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। स्वामी जी आप भी ऐसा ही कह रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, पर ये नहीं कहा कि ईश्वर ठीक नहीं कर सकता। मतलब मेरे पति फिर से देख पाएंगे? अवश्य देख पाएंगे। यदि अपनी कुलदेवी दुर्गा मैया की आंखों की पंखुड़ियां ले आओ तो उनसे उनकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। अगर ऐसा है तो मैं किसी भी तरह मंदिर जाकर देवी माँ की पंखुड़ियां लेकर आऊंगी। लेकिन ये तो पाप है बेटी। और कोई रास्ता भी तो नहीं है, एक स्त्री के लिए उसका पति ही परमेश्वर है, उस परमेश्वर के लिए ये पाप तो मुझे करना ही होगा। स्वामी जी आप यही रुकिए, मैं इसी वक्त दुर्गा मैया के मंदिर जाकर माँ की आंखों की पंखुड़ियां किसी भी तरह लेकर आती हूँ। तेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हूँ, मुझे क्षमा करना। जो उधार दिया जाता है उसे वसूल करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन ये अभागन दी हुई भेंट वापस देने के लिए आई है। माता मेरा दुख तो तू जानती है, मैं तेरी आंखों की पंखुड़ी चुराने आई हूँ। माता आज तक तूने मुझे किसी भी बात की कमी नहीं रखी, और आज उसके बदले में मैं तेरी कसूरवार बनकर खड़ी हूँ। देवी माँ मैं जानती हूँ कि ऐसा करना पाप है, उसके लिए तू मुझे कोई भी दंड देना चाहे दे दे, लेकिन मेरे पति की आंखें लौटा दे माता। माता भागी ने मुझे चोर बना दिया और मेरे कारण तू अंधे बनने जा रही है। We'll be right back.
सीता, इतना कहकर भी तुझे दया नहीं आई? तेरी मोतियों को लेने का मन नहीं है? तेरा गुस्सा अब भी थमा नहीं? हे जगदम्बे माता, तुझे जाने का मन नहीं है तो मेरे बदन में आके रह ले, उनके बदन की सारी मोतियां मुझे दे दे, मेरे बदन में वास कर, तुझे सौगंध है, सौगंध है, सौगंध है। रामलाल, क्या है मेम साहब, आपने बुलाया? मैं बाहर जा रही हूँ, ब्रदर आए तो बोल देना। मेम साहब, राजेश्वरी मेम साहब को माता आई है, आप उन्हें अकेले छोड़कर जा रही हैं? उसे अकेली न छोड़कर उसके साथ मिलकर ग्रुप डांस करने को कह रहा है। ए, ये छुआछूत की बीमारी है, कहीं फैल गई तो मुझसे उसको मिली, उसके पास से फिर से मुझे लगी तो मुझसे नहीं होगा। मैं किसी होटल में रह लूंगी, हफ्ते भर बाद ही लौटूंगी, कह देना। गायब, मैंने वो पंखुड़ी इसमें रखी थी। वो पंखुड़ियां कहां है मैं जान गया हूं, तुम यहीं ठहरो, मैं उन्हें लेकर आता हूं। रहे हो, मैं यहाँ कैसे आ गई सोच रहे हो? तुम जहाँ धीरे से पहुँचोगे वहाँ मैं पल भर में पहुँचती हूँ। जब तुम जमीन पर चलते हो तब मैं आसमान पर चलती हूँ। ठीक है ठीक है, जो तुम ढूंढ रहे हो वो उस कमरे में है, जाओ जाओ। तू कैसे जानती है? तेरी जन्म कुंडली ही मेरे पास है, जाओ जाओ जाओ, देखो। हाँ, अब इसे ठिकाने लगाने का समय आ गया। ओह, आंखों की पंखड़ियां इस बक्से में रखी है। आ, 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 आ,